शो क्लर्क सरार चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं अगली वीडियो लेकर आया हूं और ये बीए सेकंड ईयर की वीडियो है। अगला लेक्चर है बीए सेकंड ईयर का फोर्थ लेक्चर है। आज इसके बारे में हम परिचर्चा करेंगे, यानी कि प्रवृत्तियों के बारे में, उपन्यास की प्रवृत्तियों के बारे में आज समझाएंगे। तो इसमें टेंडेंसीज ऑफ मॉडर्न नॉवेल एंड 20th सेंचुरी, यानी कि 20वीं शताब्दी में जो उपन्यास थे उनकी क्या प्रवृत्तियाँ थी, आज इसी के बारे में जिक्र करेंगे। तो आज का मेरा टॉपिक यही है। तो इसमें सबसे पहले मैं इंग्लिश वेरिजन बताता हूँ, फिर हिंदी वेरिजन में बताऊँगा। तो डिटेल्स है इसकी, ये डिटेल अकाउंट ऑफ मैन टेंडेंसीज ऑफ मॉडर्न नॉवेल्स ऑफ 20th सेंचुरी। तो वी वॉन्ट टू अबाउट एंड 12th सेंचुरी नॉवेल हैज प्रोग्रेस्ड विद ए ग्रेट स्पीड थ्रू आउट द 19th सेंचुरी ऑफ स्टेटस ऑफ नॉवेल ग्रो रैपिडली इन द हैंड्स ऑफ ब्रॉन्टेज डिकेंस एंड ठाकरे जॉर्ज एलियट एंड मार्डिट इन द 20th सेंचुरी नॉवेल फॉर द फर्स्ट टाइम एम्स ऑफ undoubted importance over all other literary works. A sense of serious study of art of the novelist also grew with the growing importance of the novel. Next topic, next heading is novel as art, an art form, well constructed form. So the modern times novel get a serious attention at the very first time. There begins a new interest in the novel as an art form. James and Conrad Avalon techniques which evolutionized the form of the novel. A new conception, a characterization, but upon the study of the inner consciousness, the modern novelist is very conscious of the novel form. These are well constructed. He made a number of attempts to make through quite different form earlier form. There is nothing in modern novels that is loose or rambling like the novels of Victoria. The modern novel has a unique achievement of its form and style. In modern fiction, prose is issued in a large measure. For example, more elaborate and exact realism, the aim of novelist to the depicts life accuracy as the same it. And numerous short story writers are inspired by the realist in conception of fiction. Realism began in 18th century with novel of Diophil and Fielding. But its terms as a school came in ready early 20th century. The realist seeks to avoid idealism and romanticism. He often seems to stress on the common place and trivial or the sordid and virtual aspect of life. Fiction is the realistic activity in which realism found in greatness scope. George Eliot, James Joyce, Mark Twain are eminent realistic novelists. तो मैं अब इसके हिंदी वेरिजन में बताना चाहूँगा इसे, यानी कि 20वीं शताब्दी में जो उपन्यास में उन्नति
की और महान गति विकसित की है, और जो 19वीं शताब्दी थी, 1900 शताब्दी में उपन्यास का जो स्तर है वो ब्रंटी, डिकिन्स और ठाकरे या जॉर्ज इलियट है या मेयर डिप है, ये कई तरह के उपन्यासकार निबंधकार हैं जिनके हाथों में तीव्रता से ये एक प्रकार से उनकी स्थिति या संघर्ष बढ़ रहा था। और 20वीं शताब्दी में पहली बार उपन्यास ने दूसरे साहित्यिक कार्यों पर संपूर्ण और बगैर किसी संदेह के महत्व प्राप्त की, और उपन्यास की कला के गंभीर अध्ययन को भावना के रूप में या भावना के उपन्यास की बढ़ती हुई महत्व के रूप में जो है वो देखा, और महत्व जिसका बढ़ रहा था उस महत्व को देखा। इसके बाद में मैं उपन्यास के बारे में बता रहा। कला के रूप में आधुनिक युग में उपन्यास ने पहली बार गंभीर ध्यान प्राप्त किया और उपन्यास के क्षेत्र में एक कला के रूप में नई रुचि शुरू की, नई इंटरेस्ट शुरू किया, और डेंस और वर्ड ऑफ हटसन के रूप में जो है वो जाना जाता है। और ये कहानी के समान कथानक घटनाओं का वर्णन है, किंतु यह कहानी से अलग है क्योंकि वह एक समय में ही दो घटनाएं, उनके रीजन, उनके प्रभाव और उनके बीच में संबंध है, उस संबंध को की व्याख्या करता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई है, यह कहानी का उदाहरण है। और यहाँ घटनाएं समय अनुसार व्यवस्थित की गई हैं। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तभी दुखी में उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई, यह कथानक का उदाहरण है जिसमें घटनाएं एक दूसरे से संबंधित हैं तथा प्रथम घटना दूसरी घटना का कारण है। इसके बाद में आगे है, इसमें उपन्यास के कथानक में मानवीय जीवन का वास्तविक रियलिज्म वास्तविकता के बारे में बता रहा हूँ मैं, रियलिज्म है इसमें ये, तो वास्तविकता के बारे में बता रहा हूँ मैं। उपन्यास के कथानक के मानवीय जीवन का वास्तविक तथा दृढ़ अर्थ होता है, इसलिए कथानक की कहानी को वास्तविक जीवन से लिया जाना चाहिए। और हटसन के शब्दों में एक उपन्यास जो है गहन विस्तृत वो अध्ययन माना जाता है, वो स्थिति मानी जाती है जो पूर्ण रूप से सक्सेस होती है, तो इसलिए इस पर भी एक प्रकार से विचार विमर्श कर लिया जाता है। और कर्नाड ने शिल्प कला का जो है विकास किया था और उपन्यास के रूप में जो है विकास किया, और पात्र चरित्रण की नई अवधारणा किंतु आंतरिक चेतना के रूप में मानी जाती है। इसके बाद में आता है वास्तविकता, और वास्तविकता क्या है, वास्तविकता के बारे में इंग्लिश में बोला था, अब हिंदी में बता रहा हूँ। उपन्यासकार का उद्देश्य जीवन का यथार्थ वर्णन करना है, जैसा वह देखता है। असंख्य शॉर्ट स्टोरी लेखक उपन्यास की वास्तविक अवधारणा से प्रभावित थे। डीके और फील्डिंग के उपन्यास के साथ 18वीं शताब्दी में वास्तविकता की शुरुआत हुई, और वास्तविकता की शुरुआत होने के साथ साथ स्कूल के रूप में जो विजय प्राप्त हुई वो 20वीं शताब्दी में हुई। इसकी जो स्थिति है वास्तविकता है वो आदर्शवाद और रोमांटिक से बचने का प्रयास करता है, और वह हमेशा जीवन के साधारण और निम्न कठोर और असत्य पहलों पर जोर देता हुआ प्रतीत होता है। कल्पनात्मक वर्णन कल्पनात्मक क्रिया होती है जिसमें वास्तविकता अपना बड़ा क्षेत्र पाती है, और जॉर्ज इलियट, जेम्स टेलस्लाय और मार्क ट्विन प्रसिद्ध वास्तविक उपन्यासकार हैं इसके। इसके बाद में आता है चेतना का बहाव, यानी कि इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में बताता हूँ। तो इसमें है द नोवेल, इंग्लिश वर्जन है, फिर हिंदी में बताया जाएगा। द नोवेल विच एडप्ट एज इट्स सब्जेक्ट मैटर टू द एंडलेस फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ वन ऑफ और वन कैरेक्टर्स इज नोन एज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस। इट इज प्रोड्यूस्ड ऑफ योर विल एंड साइकोलॉजी। इट इज काइंड ऑफ इंटीरियर मोनोलॉग एंड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नोवेल टेंड द कंसंट्रेट इट्स अटेंशन डीपली ऑन द मेंटिलेशन एंड एमोशन प्रोसेसनेस एंड नॉट टू द
outside world. And the Mars bank, the universe in which she successfully presents the whole past of the life of Mrs. and Dalloway and within the period of the morning of the evening. तो अब मैं इसके बारे में बताता हूँ, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, इस यानी कि चेतना का बहाव। वह उपन्यास जो एक या एक से अधिक पात्रों की चेतना के अनंत बहाव को अपनी विषय वस्तु के रूप में ग्रहण करता है, चेतना के बहाव के नाम से जाना जाता है। यह फ्रीडियन मनोवैज्ञानिक का उत्पाद है और यह एक प्रकार का आंतरिक कथन है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस उपन्यास बाह्य दुनिया पर नहीं बल्कि मुख्य ध्यान मानसिक भावनात्मक प्रक्रिया पर केंद्रित करता है। उपन्यासकार आधुनिक रूप में मनोवैज्ञानिक सत्य का एक तरीका ग्रहण किया और युग के जीवन की जो वास्तविकता है उस वास्तविकता को व्यक्त करना होता है। इसमें उद्देश्य करना होता है उन उद्देश्यों के आधार पर जो वोल्फ है और इस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के अग्रणी भी माने जाते हैं और यह उपन्यास में उसका महान योगदान भी माना जाता है। दूसरे महत्वपूर्ण प्रयोगकर्ता हैं इसमें डॉर्थी रिचर्डसन, जेम्स जॉयसी एंड थॉमस वोल्फ और विलियम टेम्पर ट्वेंकर एंड हेनरी जेम्स एंड वोल्फ का मिसिस डॉलवे इस शिल्प कला का अच्छा उदाहरण है, जिसमें मिसिस डॉलवे के संपूर्ण अतीत को सुबह से शाम तक के समय के लिए सफलतापूर्वक प्रस्तुत करती है। तो इसमें समय समय पर यह देखा जाता है कि उपन्यास कहाँ तक पहुँचा और कहाँ तक उसके बारे में वर्णन है, जो घटना घटी है उसके बारे में भी बताया जाता है, जो उसके सामने बीता है और वो घटना उसमें दिखलाई जाती है। इसके साथ साथ अब अगला पार्ट है इसका एक खंड उपन्यास। तो एक खंड उपन्यास इंग्लिश में बताता हूँ मैं पहले से, तो एक खंड उपन्यास का इंग्लिश में बताता हूँ। इंग्लिश में क्या है, वन वॉल्यूम नोवेल। तो वन वॉल्यूम नोवेल क्या है, ये भी प्रवृत्तियाँ हैं जितने भी मैं बताई, एक रियलिज्म है प्रवृत्तियाँ, दूसरा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये सब क्या है प्रवृत्तियाँ हैं उपन्यास की, जैसे टेंडेंसीज कहते हैं। तो इसमें आगे है वन वॉल्यूम ऑफ नोवेल, यानी कि इन मॉडर्न टाइम्स द ट्रेडिशनल थ्री वॉल्यूम नोवेल हैज बीन फाइनली डिस्प्लेस्ड बाय वन वॉल्यूम नोवेल दैट इज द नॉर्मल लेंथ ऑफ ए वर्क ऑफ फिक्शन। ड्यूरिंग 19th सेंचुरी इंग्लिश नोवेल हैड बीन लाइक द ट्रेडिशंस कैन बी द सिक्टिड। अब मैं इसको हिंदी में बताता हूँ। आधुनिक युग में पारस्परिक तीन खंड वाले उपन्यास का स्थान अनंत से एक खंड वाले उपन्यास ने ले लिया है। कल्पनात्मक कार्य की यह साधारण लंबाई है। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी उपन्यास संपूर्ण की तरह था, जिसमें कुछ भी भरा जा सकता है और एक खंडीय उपन्यास उपन्यासकार पर सामग्री तथा घटनाओं की एक प्रकार से आवश्यकता को थोपता है। तो ये है इसमें। इसके बाद में अगला है मध्यम और उच्च वर्गीय वर्ग का चित्र। तो वर्ग उच्च वर्गीय वर्ग का चित्र है इसके बारे में बताता हूँ मैं, यानी कि ए पिक्चरल ऑफ मिडिल एंड अपर मिडिल क्लासेस ए थ्रू एंड क्लियर पिक्चर ऑफ मिडिल एंड अपर मिडिल क्लासेस कैन बी फाउंड इन द डे एंड टूडे नोवेल। मोस्ट ऑफ द मॉडर्न नोवेलिस्ट बिलोंग टू दीज क्लासेस ऑफ सोसाइटी। तो अब मैं इसे हिंदी में बताता हूँ। माध्यम और उच्च वर्ग का चित्र। आज के उपन्यासों में माध्यम और उच्च वर्ग जो है, माध्यम वर्ग की सत्य और स्पष्ट तस्वीर पाई जा सकती है। अधिकांश आधुनिक उपन्यास समाज के उन वर्गों से संबंधित है। आधुनिक उपन्यासकार समकालीन समाज का ध्यान लगाता है और इसे पूर्णतया दर्शाने का प्रयास करता है। आधुनिक उपन्यास ने
गरीबों को मानव की तरह चित्रित किया जाता है और उपन्यास का विषय बनाया जाता है। बस पूरा होने वाला है, लास्ट है ये। आधुनिक उपन्यास में विचार और सामाजिक उद्देश्य। तो आज मैं इंग्लिश में बताता हूँ सर, पहले फिर हिंदी में। तो इसमें द पास्टोरल एज एंड आइडियाज एंड सोशल पर्पज एंड द सोशल कंडीशन टू योर प्रोवाइड इन द मॉडर्न एज नॉवेल द एडॉप्टेड एज मीडियम ऑफ सोशल एक्सप्रेसिंग हिज आइडियाज ऑन एवरी प्रॉब्लम टूडे सोसाइटी एज रीजन। और लास्ट है इसमें डेवलपमेंट ऑफ रीजनल फंक्शन, यानी कि रीजनल फंक्शन का क्या है, इसमें क्या योगदान है। तो द ग्रेट डेवलपमेंट ऑफ रीजनल फिक्शन ऑफ मॉडर्न नॉवेल देयर मैनी नॉवेल्स एज वाइज। अब मैं हिंदी में बताता हूँ से आधुनिक युग में उपन्यास को जो सामाजिक उद्देश्य है और विचार हैं, ये भी एक प्रकार से प्रवृत्ति का रूप है, जिसमें आजकल के युग में उपन्यास को सामाजिक प्रचार और आज की प्रत्येक समस्या पर देखा जाता है, इसके माध्यम के रूप में लिया जाता है, जैसे धर्म है, मूल्य परिवर्तन है या पारिवारिक जीवन है आदि की जो समस्या है वो समस्या इसमें आ जाती है। इसके बाद में लास्ट है क्षेत्रीय उपन्यास का विकास। तो क्षेत्रीय आधुनिक युग में क्षेत्रीय उपन्यास में महान विकास हुए हैं और बहुत से उपन्यासकार हैं जो उस जगह के गुणों को दर्शाने में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं जहाँ वे पैदा हुए या रहते हैं। हार्डी ऐसे उपन्यासों में से एक है जिन्होंने ऐसा किया है। तो ये आज का इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू। अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि साइड का जो बटन है लाइक करना वो अवश्य दबाएं। थैंक यू धन्यवाद।